आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 5 स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड है और क्वेश्चन नंबर हमने 3 स्टार्ट करना है इसका। 3 में कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन एंड मीडियन। तो यहाँ पे आपने अरिथमेटिक मीन या फिर मीन फाइंड करना है और साथ क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। अब चूंकि हमारे पास जो डाटा है वो ग्रुप फॉर्म में आ गया, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में आ गया, तो बस ग्रुप डाटा है। जो पहले हमने क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व किया वो अनग्रुप था, ये ग्रुप डाटा है। यहाँ देखें हमारे पास डाटा दो टाइप्स का है, एक है डिस्क्रीट डाटा, दूसरा है कंटीन्यूअस डाटा है। डाटा विच कंसिस्ट ओनली होल नंबर्स इज कॉल्ड डिस्क्रीट डाटा। एग्जाम्पल क्या है इसकी, रन स्कोर्ड बाई अ बैट्समैन, ठीक है। तो जब भी कोई बैट्समैन स्कोर करता है तो वो होल नंबर की फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 1/2 या 1/3 स्कोर, उसमें फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं होती, तो इसे कहते हैं डिस्क्रीट डाटा। अब दूसरा होता है कंटीन्यूअस डाटा, डाटा विच कंसिस्ट ओनली कंटीन्यूअस वेरिएबल इज कॉल्ड कंटीन्यूअस डाटा। इसके एग्जाम्पल क्या है, एज ऑफ अ पर्सन। जैसे आपके पास किसी पर्सन की एज है 2 ईयर्स एंड 3 मंथ्स, ठीक है। तो इसमें 2.3 मीन्स क्या मतलब 2.3 ईयर्स का है, तो इसमें आपके पास देखें फ्रैक्शन के साथ इंक्लूड है। तो ये आपके पास होल नंबर पे कंसिस्ट होता है डाटा और एक बात साथ इंक्लूड फ्रैक्शन भी होती है, इसे कंटीन्यूअस डाटा कहते हैं। अब जो मेरा क्वेश्चन है उसमें आपने यहाँ देखिए सिंगल वैल्यू डाटा है, ये देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और साथ सिंगल वैल्यू है 15, 17, 18। तो एक पास डिस्क्रीट डाटा है ग्रुप फॉर्म में है, 15 मार्क्स हैं 30 बॉयज़ के हैं, 17 मार्क्स हैं 34 बॉयज़ के हैं, 18 मार्क्स हैं 9 बॉयज़ के हैं, 19 मार्क्स हैं 38 बॉयज़ के हैं, सो ऑन इस तरह से, ठीक है। अब जब हमने इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला ये होता है ग्रुप डाटा के लिए कि समेशन एफ मल्टीप्ले एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ। तो एफ हमारे पास ये है और एक्स ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉलम बनेगा एफ एक्स का, एफ मल्टीप्ले एक्स का। मल्टीप्लाई करने से आता है 450, 17 को 34 से करेंगे तो आएगा 578, 18 को 9 से करेंगे तो आएगा 162, 19 को 38 से करेंगे तो 720, सो ऑन चलते जाएंगे। अच्छा, लास्ट में जो एफ एक्स है इसका भी सम फाइंड करना है और जो एफ है इसका भी सम फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि समेशन एफ एक्स मीन्स कि इनको ऐड करने से आपके पास क्या आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा। अब ऐड कैसे करेंगे, इन 450 को 578 में 162 इसमें ऐड करते जाए तो जो हमारे पास आंसर है इसका वो आएगा 12623, ये ऐड करने से इसका आंसर आया। उसके बाद हमने यहाँ फ्रिक्वेंसी को ऐड करना है, ठीक है। 30 और 34 को ऐड करें, फिर 9 को ऐड करें, इस तरह ऐड करते जाएं तो हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है इसका सम जो है वो आपके पास आ जाएगा 500 आ जाएगा। ये हमारे पास समीशन एफ एक्स की वैल्यू आ गई और साथ समीशन एफ आ गया। अब हमने जो है ना फाइंड करना है मीन फाइंड करना है ग्रुप डाटा के लिए, उसका फार्मूला सामने लिखा हुआ है ऊपर, उसी फार्मूले को हम यूज करते हुए इसका मीन फाइंड करते हैं। यहां पे इसका मीन फाइंड करते हैं, मीन या अरिथमेटिक मीन इज इक्वल होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ आ गया, ठीक है। तो एक्स बार जो मीन है इसको डिनोट करते हैं, समेशन एफ एक्स के लिए 12623 डिवाइड बाय समेशन एफ क्या है, 500 है, ये 500 आ गया, ठीक है। इन दोनों को आप डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर, इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे, 1206023 डिवाइड बाई 500, तो आंसर आता है इसके पास 25.246, 25.246। तो ये आपने इसका फाइंड कर लिया अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट हम इसका मीडियन फाइंड करते हैं। हमारे पास ये डिस्क्रीट डाटा है, ठीक है। इसका मीडियन फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, फॉर लोकेट इन मीडियम इन डाटा, मीन इज इक्वल टू एन बाई टूथ आइटम या एन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन इन द डाटा सेट, ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ पे ये एक्स है, ये एफ है, और आपको सी एफ वाला कॉलम यहाँ पे एक और लेके आना है, ठीक है। सी एफ आपके पास क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी को ऐड अप करना है आपने। सिंपल देखें, 30 आ गया एज इट इज, फिर 30 में 34 को ऐड किया, आंसर आ गया 64, फिर 64 में आपने 9 को ऐड किया, 73 आ गया, फिर 73 में आपने 38 को ऐड करना है तो 111 आ गया, फिर 111 में 15 ऐड करना है तो 126 आ गया, फिर 126 में आप 50 ऐड करेंगे 176, फिर 176 में आपने ऐड करना है 52 तो आपके पास आ गया 228, फिर आपके पास 228 में आपने 81 ऐड किया तो 309, फिर 309 में आपने 56 ऐड किया
तो 365 आ गया। 365 में आपने 58 ऐड किया तो आपके पास 423 आ गया। फिर 423 में आपने 15 को ऐड करना है तो 438, और 438 में आपने 62 को ऐड किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 500, इसके इक्वल आ जाएगा जो सम हमने उसमें फाइंड किया था, सम फ्रीक्वेंसी फाइंड किया था, 500 आ गया। अब ये और पास ये हमने ऑलरेडी जो जिसमें अरिथमेटिक मीन या मीन फाइंड किया उसमें हमने ये फाइंड किया बस इक्वल है 500 के, इनको जब हमने ऐड किया तो आंसर इसका 500 आ गया, एन की वैल्यू है। अब आप एन की वैल्यू यहां पुट करें, ठीक है, तो देखिए मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाई टूथ आइटम, इनको ऐड डिवाइड करने से आपके पास आंसर क्या आता है 2 to the 4, 2 5 to 10 और 250th आइटम इन द डाटा सेट, 500 को 250 आ गया। अब आपने यहां CF वाले कॉलम में देखना है कि 250 कहां पे लाई कर रहा है। देखें 250 की बात करें तो ये देखें 228 है और ये इससे ग्रेटर वैल्यू, तो ये इससे आगे होनी चाहिए, ठीक है, ये हमारे पास ना ये 228 है, इससे क्या है ये कम है, ठीक है, 250 से 220 कम है तो ये इसमें इससे आगे होगा, और ये आपके पास 309 है, मीन्स के 229 से लेके 309 यहां तक है आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास जो ये आपके पास होगा ये जो है ये आपके पास होगा मीडियन ग्रुप होगा, ठीक है, क्योंकि 250 है वो 309 में लाई कर रहा है, इससे पीछे नहीं है क्योंकि यहां तक ये 228 तक है, तो 228 से आगे इसमें आ रही है वैल्यूज, 309 में आ रही है, ठीक है। तो 309 में जो आपके पास ये 250 आइटम आ रहा है इसका मतलब है कि इसकी जो मीडियन होगा आपके पास क्या होगा, आपके पास 27 होगा, तो आपके पास मीडियन क्या आ गया, मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन इज इक्वल टू 27 अप्रॉक्सीमेटली, ये आपके पास आ गया, इसका आंसर आ गया। तो डिस्क्रीट डाटा जब भी आपको गिवन होगा तो आपने मीडियन इस मेथड से निकालना है, आपने एक तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को ऐड अप करना है, उसके बाद आपने जो है ना सम ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है जो कि लास्ट में आंसर आएगा, उसको आपने 2 पे डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो आइटम यहाँ पे आएगा उसको आपने CF में फाइंड करना है, तो देखना है कि वो 250 कहाँ पे, तो 250 आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इस ग्रुप में आ रहा है, इसका मतलब 27 इसके क्या होगा पास मीडियन आ जाएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें फाइंड द अरिथमेटिक मीन, तो यहाँ पे आपने AM फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन सामने फार्मूला उसका लिखा हुआ है समेशन FX ओवर समेशन F, तो हमारे पास जो डाटा गिवन है वो आपके पास क्लास लिमिट्स हैं और साथ क्या है फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, क्लास लिमिट्स में आपके पास इसे कहते हैं लोअर क्लास लिमिट और इसे कहते हैं अपर क्लास लिमिट, ये जो आपके पास फर्स्ट है ये लोअर क्लास लिमिट्स हैं, ये आपके पास अपर क्लास लिमिट है, तो आपने एफ को एक्स से बढ़े, तो एफ तो ये गिवन है ऑलरेडी, हमें एक्स चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, बस ग्रुप डाटा है कॉन्टिन्यूस डाटा है, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए आप इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, देखें 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आंसर आता है 17.5 आता है, 17.5। उसके बाद 25 और 40 को ऐड करते हैं मिड पॉइंट निकालने के लिए, 25 प्लस 40 और डिवाइड बाई 2 ये 32.5। फिर 40 और 55 को ऐड करते हैं, 40 प्लस 55 डिवाइड बाई 2 ये तो 47.5 आ गया। फिर 55 प्लस करते हैं इसमें 70 और डिवाइड करते हैं 2 के ऊपर 62.5। उसके बाद 70 प्लस 85 करते हैं, 70 प्लस 85 और डिवाइड बाई 2 करें तो आता 77.5। लास्ट वाली ग्रुप है तो ये 85 प्लस 100 185, इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो बस आंसर आएगा 92.5 आ गया। ये हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया जिसे हम x से डिनोट करेंगे, ठीक है, जब आपके पास क्लास लिमिट्स गिवन होंगी तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, दोनों क्लासेस को आपस में ऐड करना है, अपर क्लास और लोअर क्लास को 2 पे डिवाइड करते जाना, तो बस मिड पॉइंट आता जाएगा इस तरह से। अब f मल्टीप्लाई x है तो f इसमें 6 है और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 17.5 ये आ जाएगा 105। उसके बाद 20 मल्टीप्लाई 32.5 ये तो 650 आ गया। फिर 44 को मल्टीप्लाई करते हैं 47.5 से आता है 2090।
उसके बाद 26 को 62.5 से करते हैं मल्टीप्लाई, 1625 आ गया। फिर आप 77.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 232.5 आ गया। लास्ट में जब 1 को इससे करेंगे 92.5 से, तो 92.5 ही इसका क्या है आंसर आएगा। अब सबसे पहले सिग्मा एफ या समेशन एफ फाइंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी को ऐड अप करते हैं, 6 प्लस 20 प्लस 44 फिर प्लस 26 फिर प्लस आ जाएगा 3 प्लस 1, तो अब आ गई ये पूरे 100 आ गई फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या आ गई 100 आ गई। उसके बाद हमें समेशन एफ एक्स चाहिए, उसके लिए इस जो एफ को एक्स से मल्टीप्लाई किया था फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से, उनको आपस में इसका सम फाइंड करते हैं, समेशन एफ एक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। इन सबको ऐड करते हैं, 105 प्लस 650 फिर प्लस 2090 फिर प्लस 1625 फिर प्लस 232.5 प्लस 92.5, तो यह था 47975 आ गया। अब लास्ट में हमने ये फार्मूला लिखा हुआ है मैथमेटिक मीन फाइंड करने का, जस्ट आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो जो समीशन एफ एक्स है वो है 4795, और उसे डिवाइड करते हैं किसके ऊपर, 100 के ऊपर, 100 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड बाई 100, तो आंसर आपके पास आ गया जो मैथमेटिक मीन है वो इक्वल आ गया 47.95, तो ये आपके पास आ गया मैथमेटिक मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपने मीन और मीडियम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मीन तो ही जो लास्ट मेथड में यूज़ किया वही यूज़ करेंगे, मीडियम के फाइंड करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, उसका फार्मूला भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम मीन फाइंड करते हैं, उसके बाद मीडियम फाइंड करेंगे। तो देखें एक पास टेबुलर फॉर्म में डेटा है और ग्रुप डेटा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर सिंगल वैल्यू हो तो हम एक्स से डिनोट करते और डायरेक्ट एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, चूँकि आपके पास ये क्लासेस की फॉर्म में, क्लास इंटरवल की फॉर्म में क्लास लिमिट्स गिवन है, तो हम यहाँ पे पहले इसका मिड पॉइंट एक्स फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, 0 और 5 को ऐड करके 2 पे डिवाइड, तो आंसर क्या आएगा 2.5, 5 प्लस 10 15 ओवर 2 तो होता है 7.5, 10 प्लस 15 तो ये बनता है 25, उसे 2 पे डिवाइड किया तो 12.5 आ गया, फिर 20 और 15 को ऐड किया तो बन गया 35, उसे 2 पे डिवाइड करेंगे 17.5 आ जाएगा, 20 प्लस 25 ये बताएगा 45, 45 को 2 पे डिवाइड करें तो बस 22.5 आ जाएगा, 25 प्लस 13 ये बन जाएगा 55, इसे 2 पे डिवाइड किया तो 27.5, लास्ट में 30 और 35 को ऐड करने से आंसर आता है 65, उसे 2 पे डिवाइड किया तो 32.5, बस मिड पॉइंट एक्स की वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट हमें करना ये है कि हमें एफ मल्टीप्लाई एक्स चाहिए, उसके लिए फ्रिक्वेंसी जो एफ है ये, इसको हम एक्स से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2.5 मल्टीप्लाई 4 तो इसका आंसर आ गया 10, ये बस 10 आ गया। फिर 6 को 7.5 से 6 मल्टीप्लाई 7.5 ये आगे बस आएगा 45। उसके बाद 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 से ये आ गया 125। फिर 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 17.5 से 280 आ गया, ठीक है। फिर 12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 22.5 से 270 आ गया। फिर 8 मल्टीप्लाई बाय 27.5 तो 220 आ गया। उसके बाद 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से लगभग से 130 आ गया। अब आपको समेशन एफ एक्स और समेशन एफ की वैल्यूज चाहिए, उसके लिए हम क्या करें फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं और साथ समेशन एफ एक्स फाइंड करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पहले ऐड करते हैं, सिक्सटीन प्लस 12 प्लस 8 प्लस 4 तो जो आंसर है ये 60 आ गया। इस तरह से समेशन एफ एक्स फाइंड करते हैं, जो एफ और एफ एक्स को मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करते हैं, 45 प्लस 125 प्लस 280 प्लस 270
220, 130, ये एक पास 1080. अब मीन या अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला लिखा है, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. एक्स बार मीन्स के मीन फाइंड करें या अरिथमेटिक मीन फाइंड करें, ये एक पास आ जाएगा 1080 डिवाइड बाई 60 पे डिवाइड करते हैं इसको, डिवाइड बाई 60 करते हैं तो आंसर एक पास आ गया. जो अरिथमेटिक मीन है ये जस्ट मीन है, ठीक है. एक्स बार इज इक्वल ऊपर आ जाएगा ये 18. ये हमने इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिया. अब नेक्स्ट हम इसका मीडियन फाइंड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 का मीडियन फाइंड करते हैं. तो चूंकि आपके पास ये ग्रुप डाटा है टेबलर फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे मीडियन का ये फार्मूला यूज़ करेंगे. मीडियन इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ मल्टीप्लाई बाय एन बाई टू माइनस सी. अब इसमें L क्या है, L इसमें है लोअर लिमिट ऑफ द रिलेटिव क्लास. तो ये लोअर लिमिट है L जो है, देखें ये बस लिमिट्स हैं, इसे कहते हैं लोअर लिमिट और इसको कहते हैं हम अपर लिमिट, ठीक है. H इसमें क्लास इंटरवल या क्लास साइज भी कहते हैं. कैसे फाइंड करते हैं, आप अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को जो माइनस करते हैं तो जो वैल्यू आती है उसे क्लास साइज कहते हैं हम, ठीक है, ये क्लास इंटरवल कहते हैं. फिर N है टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, इट मीन्स दैट जो फ्रिक्वेंसी को हमने एडअप किया ये बस N की वैल्यू क्या है 60 यहाँ पे आएगी, ठीक है. और सी जो है ये है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द ग्रुप प्रीसीडिंग द मीडियन ग्रुप. तो जो मीडियन ग्रुप यहाँ से निकालेंगे उससे जो ऊपर वाली सी एफ होगी फ्रिक्वेंसी उसे सी कहेंगे. फिर फ्रिक्वेंसी है एफ है फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप. अब सबसे पहले हम यहाँ पे मीडियन ग्रुप जो है ना ये फाइंड करते हैं. उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पास फ्रिक्वेंसी को आपने ऐड किया है 60 आंसर है, इसे हम 2 पे डिवाइड करते हैं. 60 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास 30th ऑब्जर्वेशन, ठीक है. अब देखें ये मैंने यहाँ पे मीडियन के लिए याद रखा, मीडियन के लिए आपने सी एफ फाइंड करना होता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी. कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट फ्रिक्वेंसी एज इट इज, फिर 4 और प्लस 6 तो 10 हो गया, 10 को 10 से ऐड करेंगे, फिर 20 है 20 में 16 ऐड करेंगे, 36 में 12 ऐड किया तो 48 आ गया, 48 में 8 ऐड किया तो 56 में 4 ऐड किया तो 60 आ गया, ठीक है. इसके इक्वल आएगी जो लास्ट में आएगी. अब 13 आइटम किस में होगा, यहाँ तक 20 आइटम्स हैं, ठीक है, और 20 से आगे 36 तक यहाँ पर है. तो ये जो आपके पास है इसे हाईलाइट करते हैं, आपके पास मीडियन क्लास है ये मीडियन ग्रुप है, ठीक है. इसको मैंने हाईलाइट कर लिया क्योंकि जो 30th वैल्यू है वो इसी में आ 36 में आ रही है. यहाँ तक 20 खत्म होगी, 20 से आगे 36 तक इसमें होगी, ठीक है. तो ये 30 तो 36 भी किस में आएगा, 30 जो है वो 36 में आएगा. ये आपके पास आ गया मीडियन ग्रुप आ गया ये, ठीक है, मीडियन ग्रुप, मीडियन ग्रुप, ठीक है. अब हम यहाँ पे वन बाई वन ये वाली वैल्यू एल आपके पास याद रखें, एल आपके पास क्या होगा, यहाँ पे एल इज इक्वल टू पास हो जाएगा लोअर क्लास लोअर लिमिट ऑफ रिलेटिव क्लास. तो ये बस रिलेटिव क्लास है, इसकी लोअर लिमिट क्या आपके पास है 15, तो एल आपके पास 15 आ गया, ठीक है. जो मीडियन ग्रुप है उसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है लोअर क्लास लिमिट उसे हम क्या कहते हैं, एल से डिनोट करते हैं, ठीक है. फिर एच है क्लास इंटरवल है, 20 में से 15 को हम माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है 5. एच इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 5. फिर उसके बाद एन है टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो हमने उसे ऐड किया तो आपके पास 60 आ गया. एन आपके पास क्या आ गया 60. सी है ये आपके पास जो सी क्या होगा, जो आपके पास मीडियन ग्रुप है उससे पहले वाली कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी उसे सी से इग्नोर करते हैं. सी इज इक्वल टू पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा. फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन, तो आपके पास मीडियन ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 16 है, ये एफ आपके पास आ गया, ठीक है. दोबारा देखें एल जो है लोअर क्लास लिमिट है मीडियन ग्रुप की, एच है क्लास साइज या क्लास इंटरवल, 20 में से 15 को माइनस करें आंसर क्या आता है 5, तो इसमें जो क्लास इंटरवल है या क्लास साइज है वो 5 है. फिर एन है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इनको एड अप करेंगे तो आंसर क्या आएगा 60, तो एन की वैल्यू है, ठीक है, एन आ गया. सी है फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन ग्रुप सी एफ, ठीक है, तो ये मीडियन ग्रुप है इससे ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के पास सी की वैल्यू आ जाएगी. उसके बाद एफ है, एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन, तो जो मीडियन ग्रुप उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 16 है. अब इन सब वैल्यूज को हम यहाँ पुट करते हैं मीडियन में, तो ये आ जाएगा एल आपके पास कितना आ गया 15 प्लस एच आपके पास आ गया 5 और फ्रीक्वेंसी कितनी है 16 है. एन की वैल्यू के पास 60 है डिवाइड बाई 2 और माइनस सी की वैल्यू के पास क्या है 20 है. अब इनको हमने करना है सिंप्लीफाई, 15 एज इट इज प्लस 5 बाई 16 आ गया 21 और ये 30 टाइम
30 में से 20 माइनस करें या फर्स्ट टर्म एज इट इज आने दें, ठीक है। 30 माइनस 20 तो ये आ गया 15 प्लस 5 को अगर हम डिवाइड करें किस पे, 6 पे डिवाइड करें, 5 को 16 पे डिवाइड करते हैं, 5 डिवाइड बाई 16 तो या तो 0.3125 और यहां से ऊपर क्या मिलेगा, 10 मिल जाएगा, ठीक है। 15 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ये 5 भी लगा दें यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये बनता है बस 31.25। इन दोनों को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं इसमें 15 तो आंसर आपके पास आ गया 18.125। ये आपने फाइंड कर लिया मीडियन, जो आपने यहाँ से वैल्यू सारी निकाली वो आपने यहाँ क्या करना है, इस फॉर्मूला पुट इससे सिंप्लीफाई कर लें, तो लास्ट आंसर 18.125 या 18.13 भी से लिख सकते हैं।